हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज असी यूनिट ऑप्टिक्स दे विच चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक करांगे। इस डायग्राम दे विच एक बबल नज़र आ रहा है। सो बबल दे विच अलग अलग तरह के कलर पैटर्न जिहड़े आ सानू नज़र आउंदे आ। इस दा कारण की है कि ये रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट है या इहदे लई कोई होर फिनोमिना रिस्पोंसिबल है। इहदे इलावा असी देखिया होएगा कि बरसात के दिनों में सड़क के उत्ते जदों किसी भी वहीकल का ऑयल लीक हो जाए तो इस तरह का कलर्ड पैटर्न नज़र आता। इस कलर्ड पैटर्न के बनन का की कारण है? इस तो इलावा कोई भी फ्लॉपी डिस्क है, DVD है, उहदे विच जदों असीं उहनूं देखदे हाँ तो कलर्ड पैटर्नस नज़र आउंदे आ। इन्हां कलर्ड पैटर्नस का कारण की रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट है या कोई होर फिनोमिना वा, इहदे बारे असीं अज डिस्कस करांगे। असीं सारिआं ने पीकॉक देखिआ है। पीकॉक दे पंखां दे विच अलग अलग तरह के कलर्ड पैटर्न नज़र आउंदे आ। इन्हां कलर पैटर्न का रीज़न जिहड़ा है उहदे नाल रिलेटिड टॉपिक असीं करांगे। सो आज साडा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आज दे लर्निंग ऑब्जेक्टिव की है? असी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बारे नॉलेज लवांगे, कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, कंडीशंस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इन सारे टॉपिक बारे आज असी एक एक करके डिस्कस करांगे। सब तो पहला इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की है। इंटरफेरेंस इज ए फिनोमिना इन विच टू वेव्स सुपर इम्पोज to form a resultant wave of greater, lower or the same amplitude. Interference effects can be observed with all types of waves. For example, light, radio, acoustic, surface water waves, gravity waves or matter waves. इस चैप्टर विच पढ़न तो नू करन तो पहला असी कोहरेंट सोर्सेज की हुंदे आ उहदे बारे डिस्कस करदे हां। टू सोर्सेज आर सैड टू बी कोहरेंट वैन द वेव्स इमिटेड फ्रॉम दैम हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्सटेंट फेज डिफरेंस। डायग्राम दे विच असी आर्क लैंप देख रहे हैं, उहदे विचों अलग अलग वेव्स निकल रही वा जिहड़ियां की आ नॉन कोहरेंट ने। जिहड़ी लाइट दी मिशन है किसी भी आर्क लैंप चों वो की आ नॉन कोहरेंट है। उहदे अगे एक पिन होल अपर्चर रखिया असी, ब्लॉक कर लिया सारियां वेव्स नूं, सिर्फ एक पिन होल चों वेव्स पास कर रही वा, तो साढ़े को पार्शली कोहरेंट वेव जिहड़ियां वो नज़र आ रही वा। जदों इन्हां वेव्स नूं असी वेवलेंथ फिल्टर चों पास कीता ते साढ़े को कोहरेंट वेव्स जिहड़ियां प्राप्त हो गई। हुण सब तो पहला जदों आर्क लैंप चों वेव्स निकलियां तो उन्हां दी अलग अलग वेवलेंथ है जिन्हां नूं असीं रैड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर दे नाल रिप्रजेंट किया है। ठीक है, ये एक इंटरसैक्ट भी कर रही वा, ये सेम फेज विच भी नहीं हैगियां। पिन होल कैमरे चों पास करन दे बाद ये सेम फेज विच हो गई, लेकिन इन्हां दी वेवलेंथ जिहड़ी है सेम नहीं हैगी। इस करके वेवलेंथ फिल्टर दे विचों एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दीआं वेव्स ही पास कर पईआं ते साडे को वेवलेंथ कोहरेंट जिहड़ीआं वेव्स असीं गेन कीतीआं। इहदा मतलब कोहरेंट सोर्स लाइट दा ओह सोर्स है जिहदे विच दो
या ज़्यादा वेव्स की सेम वेवलेंथ होंगी है, सेम फ्रीकुएंसी है, तो सारियां सेम फेज दे विच होंदियां। इंटरफेरेंस जिहड़ी है दो तरह की होंदी है, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। वैन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव सुपर इंपोज ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव्स द टू वेव्स गैट कैंसल्ड एंड वी गैट डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। दोनों वेव्स ने एक दूसरे नू कैंसल आउट कर दिता। दूसरे पासे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे विच जदों किसी वेव की क्रैसट दूसरी वेव की क्रैसट न मिलती है तो साढ़े को जी नवी वेव बनी वह एम्पलीट्यूड जोड़ा है वह सम ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स हों, फ्रीकुएंसी उन्हों की सेम रही है, सेम फेज में होनी चाहिए वा, तो ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगी है। यदा मतलब इंटरफेरेंस जीडिया दो टाइप्स हो गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर असी ध्यान दे नाल देखिए तो दोनों इंटरफेरेंस जीडिया नाल नाल होंदिया वा, यदा मतलब एक पासे जी एनर्जी का लॉस होंदा है दूसरे पासे उहदा गेन हो जाता है। सो इंटरफेरेंस इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन दे विच सपोज इफ द क्रैसट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रैसट ऑफ एनअर वेव दैन द एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हेयर बोथ द वेव्स हैव द सेम डिसप्लेसमेंट एंड द वेव्स आर इन फेज। इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ द क्रैसट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ एनअर वेव दैन एम्पलीट्यूड हेयर इज मिनिमम, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हेयर द वेव्स डू नॉट हैव द सेम डिसप्लेसमेंट एंड द सेम वेव्स आर आउट ऑफ फेज। इन ऑर्डर टू क्रिएट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस यू नीड टू सोर्सेज विद आइडेंटिकल वेवलेंथ, मोनोक्रोमैटिक, दे आर कोहरेंट। उन दो सोर्सेज ऑफ लाइट की जो इंटरफेरेंस होंगी है तो असी उन्होंने कोहरेंट कदों कहने हैं, जदों उन्हों की वेवलेंथ सेम होए, दोनों मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज होन। मोनो मीनस सिंगल, क्रोम मीनस कलर, मतलब लाइट विच हैव सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक, जिदे विच ए दोनों प्रॉपर्टीज होंदियां मोनोक्रोमैटिक आइडेंटिकल वेवलेंथ, तो असी उन्हां सोर्सेज नूं बोलते हैं कोहरेंट सोर्सेज। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मीन्स पोजिशन ऑफ मैक्सीमा एंड मिनिमा ऑफ लाइट इंटेंसिटी रिमेन फिक्सड थ्रू आउट द स्क्रीन, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिमेन सेम थ्रू आउट। इन केस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज परमानेंट, देयरफोर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस इज ऑल्सो नॉन एज परमानेंट इंटरफेरेंस। जिस इंटरफेरेंस विच मैक्सीमा ते मिनीमा की पोजिशन चेंज नहीं होंगी, फिक्स होंगी है, उन्होंने असी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आखते हैं। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस लई कुछ कंडीशनज ने, इफ द सोर्सेज आर नॉट कोहरेंट दैन देयर विल बी नो फिक्सड पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यदा मतलब पहली कंडीशन की है कि सोर्सेज शुड बी कोहरेंट, सोर्सेज शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, सोर्सेज शुड बी पॉइंट सोर्स। इफ द सोर्सेज आर नॉट पॉइंट दैन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्राइट एंड डार्क बैंड्स वॉन्ट बी क्लियर, एम्पलीट्यूड फ्रॉम सोर्सेज शुड बी इक्वल। इफ एम्पलीट्यूड्स आर नॉट सेम दैन द इंटेंसिटी ऑफ पैटर्न फॉर्म्ड विल ऑल्सो वेरी, इट वॉन्ट बी फिक्सड। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दे विच एक बल्ब है जिदे अगे एक स्लिट लगी है, सिंगल स्लिट, जिदे विचों वेव्स जिहड़ियां वा पैदा हो रही वा इन दी फॉर्म ऑफ क्रैसट एंड ट्रफ।
हुण जदों उहदे अगे असी डबल स्लिट रख दित्ती, दो स्लिट्स रखतीआं, दो सोर्सिज़ रखते एस टू एंड एस थ्री, तो दोनों विचों वेव पैदा होनी शुरू हो गई। दोनों दियां वेव जिहड़ियां वा वो एक दूसरे उपर सुपर इंपोज हो रही वा, तो जिथे क्रैस्ट दे नाल क्रैस्ट मिल रही है, मतलब रैड लाइन दे नाल रैड लाइन मिल रही है, तो ब्लैक लाइन दे नाल ब्लैक लाइन मिल रही है, उत्थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी। उन्हां विचों असी एक रैड एरो नाल रिप्रजेंट किया है। उस तरह जदों क्रैस्ट ते ट्रफ सुपर इंपोज हुंदियां वा ते डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुंदी है, ते स्क्रीन दे उत्ते सानू लाइट ते डार्क बैंड जिहड़े आ मिलदे आ। एक्सपेरिमेंटल सैटअप वन, यंग टुक एन ऑर्डनरी सोर्स ऑफ लाइट एस सच एज लाइट बल्ब। द लाइट वॉज मेड टू पास थ्रू अ वेरी स्मॉल स्लिट एस विच वॉज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। द लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स एस वॉज मेड टू पास थ्रू टू स्मॉल स्लिट्स एस वन एंड एस टू विच वर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी। वन स्क्रीन वॉज kept in front of these two sources. Observation: he observed alternating dark and bright bands on the screen. Setup 2 de vich now he took two light bulbs, two non coherent sources of light, and placed a screen in front of them. He observed there was no alternate bands of light formed on the screen. Conclusion: when coherent sources of light were taken, then the phenomena of interference is taking place. When non-coherent sources were taken, phenomena of interference was not taking place. The source as illuminated the sources S1 and S2 as a result of light from S1 and S2 become coherent. S was the source of both S1 and S2. Therefore, if there is a change in phase of source, there will be change in both sources also. Therefore, both S1 and S2 will be ऑलवेज इन फेज विद ईच अदर। यदा मतलब की है कि दोनों सोर्स जेडे कोहरेंट होने चाहिए है, इस करके दो कोहरेंट सोर्स जेडे प्रोड्यूस एक सिंगल सोर्स तो किए जा सकते हैं। इस करके पहला सिंगल स्लिट ली गई है तो फिर डबल स्लिट ली गई है। वाई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइट बैंड वॉज सीन वैन द ऑर्डनरी लाइट सोर्स वॉज मेड टू पास थ्रू स्मॉल स्लिट दैन the wavefront of semicircle shape will be formed. Wavefront are in semicircle shape because of obstacles on both sides. In the figure, red bands represent crest and yellow represent trough. When these wavefronts passes through the two small slits again, the wavefront will arise. There will be point where red and yellow will also overlap with each other. Red plus yellow and yellow plus red, destructive interference, a low intensity. Yellow plus yellow and red plus red, constructive interference, a intensity high. Because of constructive and destructive interference, there are alternate dark and light bands सीन ऑन द स्क्रीन। डायग्राम दे विच असी रैड येलो ले है, येलो दे नाल एक ब्लैक लाइन भी रिप्रजेंट की है, क्योंकि कई बार स्क्रीन दे उते येलो क्लीयर नज़र नहीं आता, इस करके येलो ते ब्लैक एक ही गल है। उन्हां दी सुपर इंपोजिशन हुंदी जदों अलग अलग कलर की तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुंदी है, जदों सेम कलर की सुपर पोजिशन हुंदी है तो उदों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुंदी है। कंक्लूजन: when the light waves is originating from the two coherent sources,
दे ओवरलैप विद ईच अदर बोथ कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली. एज ए रिजल्ट ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ लाइट इज शोन ऑन द स्क्रीन. दिस फिनोमिना ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ लाइट वेव्स गिव राइज टू रीजन्स ऑफ हाई एम्पलीट्यूड एंड रीजन्स ऑफ लो एम्पलीट्यूड इज नोन एज इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस इज अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू वेव नेचर ऑफ लाइट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट द लाइट इज ऑफ वेव नेचर विच वॉज प्रपोज्ड बाय हाइगन्स प्रिंसिपल. कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस. इस डायग्राम दे विच एस जिहड़ा एक पॉइंट सोर्स है जिहदे तो दो कोहरेंट सोर्सिस एस वन ते एस टू पैदा हुए. हुण इन्हां सोर्सिस तो अगर वेव्स ओ पॉइंट ते जान ते इन्हां वेव्स दा जिहड़ा पाथ डिफरेंस जीरो होएगा ते कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी ते ओ जिहड़ा पॉइंट आ ओ उत्थे मैक्सिमा बनेगा. लैट पी बी एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ओ. ओ डिस्टेंस दे उत्ते पी कोई पॉइंट है तो पॉइंट पी मे बी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ए मिनिमा. सो टू कैलकुलेट दिस वी हैव टू डिराइव मैथमेटिकली. सो डायग्राम दे विच जिहड़े दो सोर्सिस एस वन एस टू ने इन्हां दा स्क्रीन तो डिस्टेंस कैपिटल डी है ते स्मॉल डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सिस एस वन एंड एस टू. लेट एस वन एंड एस टू आर द सोर्सिस एंड कंसिडर ए पॉइंट पी वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी. पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एस टू पी माइनस एस वन पी. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एस वन पी स्केयर इज इक्वल टू डी स्केयर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू होल स्केयर. लेट इट बी इक्वेशन वन वेयर कैपिटल डी is the distance of screen from two slits. X, position of point where intensity has to be found. Similarly, S to P square is equals to D square plus X plus D by 2 whole square. Let it be equation 2, where small d is the distance between the two small slits. Subtracting number 2 and number 1 we get S2 P square minus S1 P square is equals to D square इड़ा capital D square वो cancel हो जाएगा. We are left with X plus D by 2 whole square minus X minus D by 2 whole square. So on simplifying S2 P square minus S1 P square equals to 2XD. ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना. एस टू पी प्लस एस वन पी मल्टीप्लाई बाय एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल्स टू टू एक्स डी. एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू टू एक्स डी डिवाइड बाय एस टू पी प्लस एस वन पी. इफ डी इज लेस देन कैपिटल डी देयरफॉर एक्स इज लेस देन कैपिटल डी. स्क्रीन इज़ प्लेस्ड क्वाइट फार अवे फ्रॉम द स्लिट अरेंजमेंट. अगर स्क्रीन बहुत दूर होवे उदो एक्स डिस्टेंस जिहड़ा है कैपिटल डी दे मुकाबले स्मॉल होएगा. देयरफॉर एस टू पी प्लस एस वन पी आर ऑलमोस्ट सेम एंड आर इक्वल टू कैपिटल डी. सो एस टू पी प्लस एस वन पी कितने इक्वल हो गया डी प्लस डी टू डी. देयरफॉर एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू टू एक्स डी डिवाइड बाय टू डी. 2 and 2 get cancelled, so path difference become xd over capital D. Let it be equation 2. Fringe pattern. The alternate dark and red bands which are obtained on the screen are known as fringe pattern, and the alternate dark and bright bands are known as fringes. Bright bands. Bright bands are formed as a result of constructive interference and they are the positions of maximum intensity. Condition for maximum intensity. Path difference is equal to n lambda. Therefore,
एक्स स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी इक्वल्स टू एन लैम्डा, सो वी गेट एक्स इक्वल टू और एक्स एन इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, वेयर एक्स एन इज द पोजिशन ऑफ एंथ ब्राइट बैंड. When n equals to 0, then it will be a central bright band. Dark bands are formed by the destructive interference and they are the position of minimum intensity. When path difference is equal to n plus 1 by 2 multiplied by lambda, then xd over capital D equals to n plus 1 by 2 multiply by lambda. So similarly xn kina aa gaya, xn equals to n plus 1 by 2 lambda capital D over small d, where xn is the position of nth dark band. A dark band de layi formula aa gaya sade. Fringe width is the distance between consecutive dark and bright fringes. It is denoted by beta. In case of constructive interference, fringe width remains constant throughout. It is also known as linear fringe width. Mathematically, fringe width beta is equals to. Fringe width calculator karne layi sanu do consecutive fringes de vich jehda distance hai wo calculate karna pehna hai. Ode layi ahi xn le liya एन लैमदा डी ओवर स्मॉल डी, तो एक्स एन प्लस वन ले लिया एन प्लस वन लैमदा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, दोनों सबट्रैक्ट करांगे तो साडे को बीटा आ जाएगा विच इज़ द फ्रिंज विड्थ. सो बीटा कैलकुलेट करके आ गया सबट्रैक्शन के बाद लैमदा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी. देयरफॉर फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स अपॉन नंबर वन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, नंबर टू डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, एंड नंबर थ्री डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स. एंगुलर विड्थ हूँ जिहड़ा मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा तो वो जिस एंगल ते बनता है उन्हों असी एंगुलर विड्थ कहने वो असी हूँ कैलकुलेट करांगे. इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय डार्क और ब्राइट फ्रिंज एट द सेंटर ऑफ टू स्लिट्स. इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा. मैथमेटिकली थीटा इक्वल्स टू बीटा ओवर कैपिटल डी. सो थीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी. सो कैपिटल डी कैंसल हो जाएगा, साढ़े को एंगुलर विड्थ का फार्मूला आ जाएगा लैम्डा ओवर स्मॉल डी. ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन जी डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पैटर्न की इस तरह होएगी. ये इक्वली ब्राइट ते डार्क फ्रिंजिस जिहड़ियां वा इक्वल डिस्टेंस दे उत्ते नज़र आ रही वा, जिस तरह इस डायग्राम दे विच पाथ डिफरेंस जिहड़ा है लैम्डा बाय टू जिहड़ा नज़र आ रहा, या फेज डिफरेंस प्लस माइनस पाई नज़र आ रहा वा. राइट साइड ते जावांगे प्लस पाई होएगा, लैफ्ट ते जावांगे माइनस पाई होएगा. सो सेंट्रल ब्राइट बैंड जिहड़ा है उत्ते पाथ डिफरेंस भी जीरो वा, तो फेज डिफरेंस भी जीरो है. रीकैप्चुलेशन इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट. वी विल सी अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह असी वाइट लाइट यूज करिए, वाइट लाइट की है सैवन कलर्स होंगे, यूनिफॉर्म डार्कनेस आएगी स्क्रीन पर, या फ्यू कलर्ड बैंड आएंगे ऑन द स्क्रीन, या इक्वली स्पेस्ड वाइट एंड डार्क बैंड्स आएंगे यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन. ठीक है, हुण असी की है कुछ कलर्ड बैंड नज़र आएंगे तो फिर की है यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाएगी. इसका मतलब ऑप्शन की है बी ऑप्शन आंसर होएगा. इफ द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर द इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ विल बी ऑन फ्रिंज विड्थ बीटा लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी है. हुण एच लैम्डा चेंज हो जाता है जो असी पानी दे विच उन्हों पाने हैं ते की है लैम्डा डिक्रीज कर जाता है. लैम्डा दे डिक्रीज करन नाल साढ़े को
फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज कर जाएगी। सो राइट आंसर होएगा बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन दे विच, इफ टू कोहरेंट सोर्सेज प्रोड्यूसेस अ डार्क फ्रिंज वैन फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस वेव इज, हम डार्क फ्रिंज कदों बनती है जो तो फेज डिफरेंस की होंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होंगे। सो 2n-1 इंटू पाई। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज हाफ्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज डबल्ड, द फ्रिंज विड्थ विल बी। हम फ्रिंज विड्थ का फार्मूला से पढ़िया लैमदा डी कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। अगर कैपिटल डी ना क्या वा डबल कर दिए तो स्मॉल डी हाफ कर दिए तो 4 टाइम्स हो जाएगी, 2 रेसिप्रोकल हो गए ऊपर चला जाएगा, 2 2s 4 हो जाएगा, सो विल बिकम 4 टाइम्स। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन स्लिट इज कवर्ड द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट विल बी, अगर एक स्लिट नु कवर कर दिए द इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस विल बी रिड्यूस्ड, इंटेंसिटी विल नॉट टेक प्लेस, इंटरफेरेंस विल नॉट टेक प्लेस, कलर्ड फ्रिंजेस विल बी प्रोड्यूस्ड, डार्क फ्रिंजेस विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्राइट फ्रिंज। हम देखो क्योंकि सोर्स ही एक रह गया तो इंटरफेरेंस ही नहीं होएगी, सो द राइट आंसर होएगा बी ऑप्शन, इंटरफेरेंस विल नॉट टेक प्लेस। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।